हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं राजकुमार सामान्य विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ सुपर टेट की आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज जीव विज्ञान की शाखाओं को पढ़ाऊंगा आपको। और जीव विज्ञान की शाखाएं जैसे एपिकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, ऑफियोलॉजी, एंटेमोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जहां से यानी अनिवार्य प्रश्न आते हैं जो हमको आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन इनको हम बहुत दिनों तक याद नहीं रख पाते और ये भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि सुपर टेट की परीक्षा में जीव विज्ञान की शाखाओं से आने वाला कोई भी प्रश्न कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आप भूल जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, आप लोग देखते रहिए कितना आसान तरीके से मैं आपको जीव विज्ञान की शाखाएं पढ़ाऊंगा और कैसे आपके दिमाग में उसको सेट कर दूंगा कि कभी भी आप उसको भूल नहीं पाओगे, ना तो जीव विज्ञान की शाखाओं को भूल पाओगे और ना तो हमें भूल पाओगे। चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं कि जीव विज्ञान की शाखाएं। तो जीव विज्ञान की शाखाओं को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जानने पड़ेंगे इसके। जीव विज्ञान की शाखाएं, तो जीव विज्ञान की शाखाएं हमें शुरू करनी है और इन शाखाओं को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हमें जानने हैं। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए होते हैं जिनके पीछे कल्चर लगा होता है। जैसे अगर हम बात करें वर्मी कल्चर की, तो पीछे क्या लगा हुआ है? कल्चर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हो गया वर्मी कल्चर। यदि हम कुछ और देखें जैसे होता है ऑफियोलॉजी, दो चीजें होती हैं, यानी कहीं हमको कल्चर मिला और कहीं हमको क्या मिला? लॉजी मिला। अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर का दो अर्थ होता है, एक होता है पालन करना या एक होता है खेती करना। ठीक है, तो कल्चर के दो अर्थ होते हैं, एक होता है पालन या एक होता है खेती। और अगर वहीं हम बात करें लॉजी की, तो देखिए लॉजी का मतलब स्टडी होता है और लॉजी का तात्पर्य होता है अध्ययन। ठीक है ना, इसका अर्थ होता है अध्ययन। तो अगर मान लीजिए किसी भी दिए गए शब्द के पीछे लॉजी है तो उसे हम क्या समझेंगे? कि वह अध्ययन है। और अगर कल्चर दिया गया है तो पालन या खेती होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसका पालन और किसकी खेती। ठीक है, देखिए अगर कोई जंतु है, जैसे दिया गया है एपिकल्चर, तो एपी मतलब मधुमक्खी होता है, तो एपिकल्चर तो जंतुओं का हम पालन करते हैं। अब भाई मधुमक्खी की तो खेती करेंगे नहीं, आप खुद सोचिए क्या मधुमक्खी खेती होगी? नहीं, मधुमक्खी पालन होगा। तो अगर जंतु है तो उसका पालन किया जाएगा। और अगर कोई फसल का नाम दिया है जैसे फ्लोरिकल्चर, फ्लोर मतलब फूल होता है, तो फूलों की खेती हो जाएगा। ध्यान देना वहां, देखिए अब फ्लोरिकल्चर मतलब होता है फूलों की खेती और वहीं लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं को पढ़ना, देखते हैं कि कहां कहां से पॉइंट्स बनते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपसे जीव विज्ञान की शाखाओं की बात करूं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कल्चर को पढ़ेंगे और कल्चर को पढ़ने के बाद हम लॉजी पढ़ेंगे। देखिए बहुत ही आसान भाषा में शानदार तरीके से सुपर टेट की परीक्षा के लिए मैं आपको जीव विज्ञान की शाखाएं पढ़ा रहा हूं। तो शुरू करते, देखिए पहला क्या है? पहला लिखा गया है एपिकल्चर। तो एपिकल्चर देखिए याद तो सबको रहता है ठीक, कि एपिकल्चर कहते किसे हैं? एपिकल्चर या फिर सेरिकल्चर, या इसके अगर आगे बात की जाए तो आता है पीसी कल्चर। क्या आता है? पीसी कल्चर। इसके आगे बात की जाए तो वर्मी कल्चर, और इसके बाद फ्लोरी कल्चर। फ्लोरी कल्चर और फ्लोरी कल्चर के बाद आता है वीटी कल्चर। वीटी कल्चर, फिर हॉर्टी कल्चर,
और हॉर्टिकल्चर के बाद ओलेरिकल्चर, इसके बाद क्या आता है, ओलेरिकल्चर आता है। इतने पॉइंट्स आते हैं कल्चर में, देखिए इनको कैसे हमें ऐसा हम पढ़ें कि बिल्कुल ये हमें रट जाए, कभी भूले ना, कैसी परिस्थिति क्यों ना हो हमारे ब्रेन से कभी ये स्लिप ना हो पाए, हमें कुछ ऐसे तरीकों के साथ पढ़ना है। तो आज मैं आपको ऐसी लॉजिक सिखाऊंगा कि आप इन सारे पॉइंट्स को बहुत आसानी से याद कर पाओगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्या है। पहला लिखा गया है एपी, क्या लिखा गया है, एपी कल्चर। तो एपी कल्चर लिखा गया है, इस बात का ध्यान देना कि पहले लिखा गया है एपी कल्चर। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या करना है आपको, देखना है कि इस दिए गए एपी कल्चर में शुरू के दो अक्षर क्या हैं। तो हम देख रहे हैं कि दिए गए एपी कल्चर में शुरू के दो अक्षर ए और पी है, क्या है, ए और पी है, ए पी, देखिए इसको हम कहते हैं एपी। और आजकल क्या है, आजकल जमाना चल रहा है शॉर्टकट का। जब हम किसी से चैटिंग करते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि लिखेंगे ए और पी से, इसको लिखेंगे हम आप कैसे हैं, क्या लिखेंगे कि आप कैसे हैं, ये लिखते हैं कि आप कैसे हैं। फिर लिखेंगे कि आप ठीक हैं, यानी कि आप ठीक हैं। फिर पूछेंगे आप कहाँ हैं, यानी ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे हम चैटिंग करते हैं कि आप कहाँ हैं। और सोचिए, सपोज करिए कि जिससे आप चैटिंग कर रहे हैं वह कोई लड़की हो, है ना, जिससे आप चैट कर रहे हो इस तरह से वह कोई लड़की हो, तो उससे आप पहले पूछेंगे ना कि आप कौन हैं, यानी कि पूछेंगे कि आप कौन हैं और आपको उसका नाम पता है, तो आप उससे क्या पूछेंगे कि यदि उसका नाम मधु हो, ठीक है, जो लड़की है उसका नाम क्या हो, मधु हो, तो उससे आप पूछेंगे कि आप मधु हैं, क्या पूछेंगे कि आप मधु हैं। भाई हो सकता है कि आप मधु समझकर चैटिंग कर रहे हो, उधर मधु पापा मोबाइल लिए हो, है ना, तो ऐसा हो सकता है कि मधु पापा चैटिंग कर रहे हो आप। तो दोस्तों ध्यान देना, आप पूछेंगे कि आप क्या हैं, मधु हैं, ठीक है ना। अब ये समझिए, बस केवल लॉजिक है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई तरीका नहीं, बस केवल लॉजिक है, इसको दिमाग में बैठा लेना है। देखिए तो क्या है, आप मधु हैं, यहां हम देख रहे हैं कि जो आप लिखा गया है, आप में क्या है, एपी, है ना, क्या लिखा गया है, एपी, और है क्या, मधु। तो ध्यान देना, अगर कहीं अब क्या लिखा गया, एपी से क्या हो जाएगा, एपी कल्चर, और मधु से क्या हो जाएगा, मधु से हो जाएगा मधुमक्खी पालन, ये होगा मधुमक्खी पालन। तो ध्यान देना, अगर कहीं भी शब्द आता है एपी कल्चर, तो तुरंत दिमाग में सेट करना, एपी से आप कौन है, मधु है, तो आपसे एपी कल्चर और मधु से मधुमक्खी पालन। तो इसको आप लोग ऐसे देख सकते हो कि आप मधु हैं, ये तरीका अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खियों का पालन क्या होता है, ये कहलाता है एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन, ठीक। अब देखिए यदि इसके आगे बात की जाए, तो आगे लिखा गया सेरी कल्चर, ठीक है ना। तो देखो भाई, सेरी कल्चर लिखा गया है, तो सेरी का मतलब क्या होता है, साड़ी, क्या होता है, साड़ी। तो सेरी का मतलब हो सकता है साड़ी, हम समझ सकते हैं दोनों राइमिंग है, तो सेरी, सेरी यानी साड़ी। और साड़ी किसकी अच्छी बनती होती है, तो किसकी अच्छी होती है, तो रेशम की, यानी रेशमी साड़ी। तो साड़ी कैसी अच्छी होती है, रेशम की होती है, रेशमी साड़ी। तो सेरी से साड़ी, और कैसी, रेशम की। तो इससे हम समझ सकते हैं कि रेशम कीट पालन। या देखिए एक तरीका और है, और एक तरीका और, वो क्या तरीका है, जैसे शेर होता है बब्बर शेर, तो शेर के गर्दन पे बाल होते हैं, तो जो शेर के गर्दन पे बाल होते हैं वो बाल कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं और रेशमी होते हैं। तो बाल किसके पास है, शेर के पास, शेर से क्या होगा, यहां शेर एसईआर, शेर से क्या होगा दोस्तों, शेर के बाल कैसे होंगे, मुलायम और रेशमी होंगे। तो शेर के बाल कैसे होंगे, रेशमी होंगे। तो देखिए आप समझ सकते हो कि सेरी कल्चर एसईआर यानी शेर, शेर के बाल कैसे, रेशमी होंगे। तो इससे क्या हो गया, रेशम कीट पालन। तो ध्यान देना, इसको आप समझोगे रेशम कीट पालन, क्या समझोगे, रेशम कीट पालन।
देखिए इसको ऐसे ही आपको याद करना है, या सेरी से साड़ी होता है, साड़ी किसकी अच्छी होती है, तो साड़ी अच्छी होती है रेशम की, तो इसको हो गया रेशम कीट पालन। अब यदि हम आगे बढ़े इसी क्रम में तो लिखा गया पीसी कल्चर, तो पीसी मतलब जब किस जो जो भी व्यक्ति मछली खाते हैं, अगर किसी मछली खाने वाले व्यक्ति का मन कर दिया मछली खाने को, तो जब वह मछली खरीदता है तो क्या पूरी खड़ी मछली पकाएगा? नहीं, वो खड़ी मछली नहीं पकाता। जब वो मछली खरीदेगा दोस्तों तो क्या करेगा, वह जब मछली खरीदेगा तो क्या करेगा, वो इसको कटवाएगा पीस पीस में। कैसे, इसे कटवाएगा पीस पीस में, तो इसे पीस पीस में कटवाएगा, किसको, फिश को। या देखिए पीस क्या होता है, फिश, पीस और फिश दोनों क्या है, राइमिंग है, पीस और फिश क्या है, राइमिंग है। तो ध्यान देना, जब वह मछली लेगा तो कैसे करवाएगा, पीस पीस में। तो देखिए पीस और फिश दोनों क्या है, राइमिंग है, तो हम कह सकते हैं फिश का मतलब क्या होता है, मछली यानी मत्स्य, और पीसी कल्चर पूछ रहा है तो पीसी फिश यानी कि फिश, और फिश मतलब मछली मत्स्य, और क्या करना है, पालन करना है, तो हम कह सकते हैं इसको मछली पालन, या कहते हैं इसको मत्स्य पालन, क्या कहते हैं, मत्स्य पालन, ठीक है ना, क्योंकि पीस और फिश दोनों राइमिंग है। अब आगे बढ़ेंगे वर्मी कल्चर, तो लिखा गया है वर्मी कल्चर। अच्छा हम जानते हैं कि एक कीड़ा होता है जिसका नाम क्या है, अर्थवर्म, ठीक है दोस्तों, क्या होता है अर्थवर्म, और अर्थवर्म हम किसको कहते हैं, अर्थवर्म हम कहते हैं केचुआ को, ठीक है ना, यानी कि मिट्टी में रहने वाला कीड़ा, ध्यान देना केचुआ को हम अर्थवर्म कहते हैं, और इसी केचुआ को हम किसान मित्र कहते हैं, है ना, इसे क्या बोलते हैं, किसान मित्र कहते हैं। और केचुआ को ही हम एक नाम और देते हैं, केचुआ को ही हम कहते हैं धरती का हलवाहा, है ना, धरती का हलवाहा कहते हैं, हलवाहा, और मिट्टी का कलेजा क्या होता है, केचुआ होता है। तो देखिए दोस्तों लिखा गया है अर्थवर्म, तो अर्थ का मतलब क्या होता है, मिट्टी, और वर्म मतलब केचुआ, तो हम जानते हैं कि वर्म का मतलब क्या हो जाता है, केचुआ होता है। यहां जो शब्द दिया गया है वर्मी, तो यहां शुरू में अगर देखेंगे तो चार अक्षर जो है वो क्या है, वर्म है, जो इसके शुरू के चार अक्षर क्या है, वर्म है, तो वर्म से क्या हो गया, वर्मी कल्चर, और वर्म मतलब क्या होता है, केचुआ। तो ध्यान देना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका केचुआ हो जाएगा, या जो पॉइंट आपका आएगा क्या जाएगा, केचुआ आपका आ जाएगा, तो केचुआ पालन कहेंगे, ठीक है ना, क्या कहेंगे, केचुआ पालन, तो केचुआ पालन होता है। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा गया फ्लोरी कल्चर, तो भाई देखो फ्लोरी और फ्लावर, फ्लोरी और फ्लावर, तो फ्लावर क्या होता है, फ्लोरी से बनता है फ्लावर्स, और फ्लावर्स का मतलब होता है पुष्प या फूल, तो फूल कल्चर, तो आप बताओ क्या फूलों का पालन हो जाएगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, फूलों का पालन, भाई फूल तो एक प्रकार का पौधा है ना, तो पौधे की हम खेती करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा फूलों की खेती, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे फूलों की खेती, है ना, फूलों की खेती, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। आगे वीटी क्या है, विटीकल्चर, तो विटीकल्चर का मतलब क्या होता है, लैटिन भाषा में अंगूर का नाम क्या है, वीटी है, तो विटीकल्चर दिया गया है, तो वीटी का मतलब होता है अंगूर, तो अंगूर की खेती आता है वीटी कल्चर, तो अंगूर की खेती क्या होता है, वीटी कल्चर होता है। और यही अगर मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर की, देखो भाई लिखा गया है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी, तो हॉर्टी मतलब हर यहां शब्द आ रहा है, और हर से क्या होता है, हरा, और हरा क्या होता है, पेड़ पौधा, हरा क्या होता है, हरा होता है पेड़ पौधा, जो पेड़ पौधे होते हैं कैसे होते हैं, हरे होते हैं, हरे रंग के होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, और जहां हम पेड़ पौधों को लगाते हैं उसको हम बगीचा कहते हैं, तो यहां लिखा गया है हॉर्टिकल्चर, तो क्या हो जाएगा, ये बागवानी हो जाएगा, इसको हम कहते हैं बागवानी। और अगर हम बात करें ओलेरी की, क्या बात करें, ओलेरी की, तो ओलेरी कल्चर, ओ ले लो रे, जब कोई सब्जी का ठेला वाला आता है सब्जी बेचने, तो कहता है ओ ले लो, क्या ले लो, सब्जी ले लो, तो ओ ले लो ओलेरी, है ना, ओ ले री, क्या ले, सब्जी, तो हो जाएगा
सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती। तो आप देखिए यहां लिखा गया है एपीकल्चर, तो आप मधु है, मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर तो साड़ी, रेशम की, रेशम कीट पालन। पीसी कल्चर तो मछली पीस पीस में लेंगे, मत्स्य पालन। वर्मी कल्चर केचुआ पालन। फ्लोरी कल्चर फूलों की खेती। विटी कल्चर अंगूर की खेती। हार्टिकल्चर तो पौधे बगीचे में होते हैं हरे भरे, हार्टिकल्चर। उसके बाद ओलेरी कल्चर तो सब्जियों की खेती, ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती, ओलेरी कल्चर। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये होता है पालन, तो पालन हमने पढ़ा। अब देखिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर लॉजी क्या है, लॉजी को हम कैसे देखें। तो इसको देखने के लिए, इसको पढ़ने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। जैसे कुछ होता है दोस्तों लैटिन नाम, अब देखिए यदि आपको ऐसे ही क्लास चाहिए तो ध्यान देना, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में दोस्तों सुपर टेट का बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही आसान तरीके से याद करने वाले वीडियो उपलब्ध रहे, तो क्या करना है आपको, आपको एंट्री सुपर टेट लिख करके दिए गए 9125423936 इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको एंट्री सुपर टेट लिख करके या एंट्री एक्सटेट लिख करके दिए गए 91-25-42-39-36 इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। और एडमिशन प्रक्रिया के बारे में जो भी जानकारियां हैं वो हमारी काउंसलिंग टीम आपको तुरंत ही बता देगी। तो ध्यान रहे, आप लोग एक बार ट्राई जरूर करिए। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखते हैं कि आगे आखिर हम लॉजी पढ़ने वाले हैं। तो लॉजी पढ़ना है, लेकिन लॉजी को पढ़ने से पहले एक बार इन सब पॉइंट्स को देखना है। देखिए जैसे जब नामकरण शुरू हुआ था जीवधारियों का, तो सबसे पहले जीव विज्ञान की खोज यूनान में हुई थी। तो भाई जब यूनान में खोज हुई और विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु। तो अरस्तु लैटिन भाषा बोलते थे, यूनानी भाषा बोलते थे। तो जब वह जीव जंतुओं का नामकरण कर रहे थे, नामकरण का मतलब ये है कि भाई अगर हम कहते हैं कि ये नीम का पेड़ है, तो हो सकता है किसी ने नाम रखा होगा कि हाँ नीम है, नहीं तो हमें क्या पता होता कि ये नीम है कि आम है। देखिए यानी कि जीव जंतुओं का नामकरण इसके पहले हुआ था, अब नामकरण किसने किया था ये जानने वाली बात है। तो अगर हम ये बात जाने कि नामकरण किसने किया था, तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अरस्तु ने क्या किया, अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया में वर्णन किया कि उन्होंने लगभग 500 जंतुओं की खोज की, उनका नामकरण किया। तो जब अरस्तु ने नामकरण किया था तो किस भाषा में किया होगा, भाई अरस्तु कहाँ के थे, यूनान के थे। तो जब नामकरण करेंगे तो यूनान की भाषा में करेंगे ना, कि हिंदी और भोजपुरी में करेंगे, बोलिए, नहीं ना, वो यूनान की भाषा में करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ जीवधारियों के जो लैटिन नाम है दोस्तों तो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे सांप है, सांप को हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में स्नैक कहते हैं, लेकिन सांप को वहां क्या बोलते हैं, सांप को ऑफियो कहते हैं। ध्यान देना सांप का नाम क्या है, ऑफियो है। तो सांप को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, ऑफियो कहते हैं। अगर वही बात की जाए चींटी की, तो चींटी का मतलब होता है एंट, तो चींटी को हम क्या बोलते हैं, मरमेको कहते हैं। ठीक है, चींटी को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, मरमेको कहते हैं। अब कीट लिखा गया है, कीट को अंग्रेजी में बोलते हैं इंसेक्ट, क्या कहते हैं, इंसेक्ट कहते हैं। लेकिन कीट को लैटिन भाषा में जो नाम दिया गया है वो नाम क्या है, एंटोमो है, यानी कीट को एंटोमो कहते हैं। अगर वही बात करें फिश यानी मछली की, तो भाई मछली को हम मछली कहते हैं, फिश कहते हैं। सोचिए तो इसका लैटिन भाषा में नाम क्या होगा, इसको एक्थियो कहते हैं, मछली को क्या बोलेंगे, एक्थियो कहेंगे। वही अगर बात करें हम लिजर्ड, तो सूरो छिपकली है ना, लिजर्ड यानी कि छिपकली का नाम है, इसे हम क्या कहते हैं, सूरो कहते हैं। तो सांप को ऑफियो कहते हैं, या चींटी को हम आपका जो मरमेको कहते हैं, वही कीट को हम ऑफियो कहते हैं, सॉरी दोस्तों कीट को हम एंटोमो कहते हैं, और मछली को हम एक्थियो कहते हैं, और इसके अलावा हम छिपकली को सूरो कहते हैं। तो ध्यान देना ये कुछ लैटिन नाम है, तो ऐसे ही नामकरण किया गया था। अब आप सोचेंगे कि सर सुपर टेट की परीक्षा में लैटिन नाम क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको हम लैटिन नाम नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको जीव विज्ञान की शाखाएं पढ़ा रहे हैं। जैसे पूछ लिया सांपों का अध्ययन, तो सांप को क्या कहते हैं, ऑफियो प्लस लॉजी जोड़ दीजिए, ऑफियोलॉजी सांपों का अध्ययन। पूछ दिया चींटियों का अध्ययन क्या होता है, तो हम जानते हैं चींटी का
जो नाम है लैटिन भाषा में, क्या है मर्मी को कुछ नहीं करना है, बस इसके पीछे क्या करना है आपको, इसके पीछे आपको लॉजी जोड़ देना है। ठीक, फिर देखिए कीट है तो इंसेक्ट, पूछ दिया कीटों का अध्ययन क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, एंटोमो के पीछे आपको लॉजी जोड़ देना है, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। ठीक, उसी प्रकार से मछली का अध्ययन हो जाएगा एक्थियोलॉजी, और उसी प्रकार से छिपकली का अध्ययन क्या हो जाएगा सूरोलॉजी। तो ध्यान देना इस तरह से इनका हम जो है इनके अध्ययन को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें आगे कि इसके पॉइंट्स को कैसे हम याद करेंगे, तो देखिए आप लोग दोस्तों अगर बात रहती है पॉइंट को याद करने की, तो आइए हम पढ़ते हैं अध्ययन, यानी अब हम लॉजी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर प्रश्न बन गया तो क्वेश्चन अगर बन जाएगा, लॉजी हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं, सरपेटोलॉजी किसका अध्ययन है, सरपेटोलॉजी, सरपेटोलॉजी किसका अध्ययन है, देखिए सर्प, सर्प ठीक है ना, तो सर्प मतलब क्या होता है, यहां अगर देखेंगे शुरू में क्या है, इसके शुरुआती जो अक्षर हैं चार अक्षर, चार लेटर, एस यू आर पी, इसको हम सर्प कहते हैं। तो भाई सर्प का मतलब क्या होता है, सांप होता है, तो हम समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये सांपों का अध्ययन होगा, क्या होगा सांपों का अध्ययन। लेकिन अभी हमने देखा कि सांप का कुछ नाम और है, यानी सांप का एक नाम और है ओफियो, सांप को ओफियो कहते हैं, तो इस बात का आप ध्यान देंगे कि इसको हम ओफियोलॉजी भी कह सकते हैं, इसको हम ओफियोलॉजी भी कह सकते हैं। लेकिन अभी तक परीक्षाओं में ओफियोलॉजी नहीं आया, बल्कि क्या आया है, केवल सर्पेटोलॉजी आया है। तो सर्प एस यू आर पी है ना, तो शुरुआत में जो चार अक्षर हैं सर्प है, सर्प मतलब सांप होता है, तो सांपों का अध्ययन कुछ करना ही नहीं है। यदि आगे बात करें तो दोस्तों आगे लिखा गया है, देखिए आगे लिखा गया है ओस्टियो, तो देखो भाई ओस्टियो मतलब अस्थियों, ओस्टियो अस्थियों, अगर आप कहेंगे तो ओस्टियो और अस्थियों ये दोनों शब्द क्या है, दोनों राइमिंग है, ओस्टियो अस्थियों, ओस्टियो अस्थियों, तो लिखा गया है ओस्टियोलॉजी है ना। अगर लिखा गया है ओस्टियोलॉजी तो क्या बताएंगे आप, तो आप बताएंगे अस्थियों का अध्ययन। ठीक, तो अस्थियों का अध्ययन क्या होता है ओस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन, ये हम किसे कहेंगे, ये कहेंगे हम ऑस्टियोलॉजी, यानी कि हड्डियों का अध्ययन, कंकाल का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो हमारा अगला शब्द है, जो हमारा अगला जीव विज्ञान की शाखा है वो क्या है, यहां हमने लिया आगे ओडोंटोलॉजी, क्या लिया ओडोंटो है ना, ओडोंटोलॉजी। तो देखिए अगर हम इसको बोलेंगे डेंटो, डेंटो 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 दांत, ठीक क्या आ रहा है, दांत आ रहा है, ओडोंटो डेंटो तो दांत शब्द आ रहा है, तो डेंटो मतलब डेंटल यानी कि दांत, तो ओडोंटोलॉजी क्या हो जाएगा, दांतों का अध्ययन। तो इसको हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या है, आगे है ऑर्निथो, आगे है ऑर्निथोलॉजी। देखो अगर हम लोग देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग इसके शुरू के चार अक्षर देखें तो क्या लिखा गया है ओरनी, ये लिखा गया है ओरनी, ओरनी से मोरनी, ओरनी से मोरनी, तो यहां लिखा गया है ओरनी, और ओरनी से क्या होता है मोरनी, और मोरनी क्या है पक्षी है, कुछ करना ही नहीं है, बस पढ़ना तुरंत, ओरनी से क्या होगा मोरनी, मोरनी क्या है पक्षी है, कुछ नहीं करना है, बस लिखना है पक्षियों का अध्ययन, क्या लिखना है पक्षियों का अध्ययन, क्या होता है पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, ये होता है ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। अब देखिए यदि हम इसके आगे बढ़े तो देखते हैं आगे क्या है, अब दोस्तों आगे है, अगर प्रश्न आ गया और वहां पूछा गया है कि क्या होता है एंटोमो, तो एंट मतलब चींटी,
एंटोमो, तो शुरू में क्या आ रहा है एंटोमो, तो यहां शुरू में आ रहा है एंट, तो एंट का मतलब क्या होता है, एंट है क्या, एंट का मतलब होता है चींटी। अभी देखा था हमने एंट हम किसको बोलते हैं, एंट मीन्स चींटी होता है, और चींटी है क्या, चींटी है कीट, एंट मतलब चींटी और चींटी क्या है कीट, तो बस एंटोमोलॉजी लिखा गया क्या हो जाएगा, कीटों का अध्ययन, ठीक क्या हो जाएगा कीटों का अध्ययन। जैसे एंटोमोलॉजी आता है तुरंत अपने दिमाग में आप समझिएगा कि एंट का मतलब क्या होता है चींटी, और चींटी क्या है कीट है। और इसके पहले देखिए अभी हमने देखा था कि जो आपका इसका जो लैटिन नाम होता है कीट का, कीट को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं एंटोमो कहते हैं, है ना, तो एंटोमो कहते हैं, तो क्या हो जाएगा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। अब देखिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे लिखा गया है माइकोलॉजी, आगे लिखा माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है माइकोलॉजी, अब आइए समझते हैं कि माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, लिखा गया है माइकोलॉजी। देखिए शुरू में क्या है माई को, है ना, माई को, बस ध्यान दीजिए आप शब्दों पर, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है दो ढाई साल का, अभी उसने बहुत जल्द ही बोलना शुरू किया है ना, बहुत जल्दी बोलना शुरू किया है, तो गांव में वो बच्चा है अपनी मम्मी की गोद में खेल रहा है, तो वो बच्चा जो है अपने गांव में मम्मी की गोद में खेल रहा है और वह जब भी जल्दी बोलना शुरू किया है, और गांव में मम्मी को क्या कहते हैं माई कहते हैं, तो उस बच्चे ने देखा कि कौवा उड़ रहा है ना, उसने तुरंत क्या बोला एक्साइटमेंट में, उसने कहा माई, क्या बोला माई कौवा, क्या बोला माई कौवा, तो भैया माई से क्या हो गया माइकोलॉजी, कौवा से क्या हो गया कवक, कौवा से क्या हो गया कवक, तो माई से हो गया माइकोलॉजी और कौवा से क्या हो गया कवक का अध्ययन, तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, तो क्या हो जाएगा माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, ठीक है दोस्तों, यहां क्या बन जाएगा, तो क्या कहेगा बच्चा, कहेगा माई कौवा, है ना गुस्सा है माई कौवा, तो माई से माइकोलॉजी और कौवा से कवक, कवक क्या है मतलब फफूद, हम लोग मशरूम खाते हैं ना, क्या है फफूद है, देखिए तो यह हो जाएगा कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन, तो कवक का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, कवक का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, तो कवक का अध्ययन इसे हम क्या कहते हैं माइकोलॉजी कहते हैं कवक का अध्ययन। अब अगर इसी पे हम पढ़ ले कि फाइकोलॉजी क्या होता है, आइए देखते हैं कि फाइकोलॉजी किसे कहते हैं, फाइकोलॉजी होता क्या है, अगर फाइकोलॉजी की बात की जाए तो देखें सभी लोग फाइको, फाइको ध्यान देना से बोलेंगे फाइको, फाइलको, फाइको और फाइलको क्या करना सेव करना, ठीक ध्यान देना कि अब क्या है हमारा मोबाइल है लैपटॉप है कंप्यूटर है उसमें हम क्या करते हैं फाइल को सेव करते हैं, तो फाइको यानी कि फाइल को क्या करना सेव करना, तो फाइकोलॉजी सेव से हो जाएगा शैवाल का अध्ययन, क्या होगा शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, तो शैवाल का अध्ययन हो जाएगा, और माइकोलॉजी कवक का अध्ययन माई कौवा, ठीक। देखिए अब आगे बढ़ेंगे तो आगे प्रश्न पूछ सकता है कि क्या होता है पीडोलॉजी, पीडो अगर इसको हम पढ़ें क्या पढ़ेंगे पेड़, क्या पढ़ेंगे पेड़, तो पूछा क्या गया है पीडोलॉजी, पीडो भाई पीडो मतलब क्या होता है पेड़ हो जाएगा, समझेंगे बस केवल समझिए, बस केवल आपको याद करने के लिए एक लॉजिक बनाना पड़ेगा, पीडो मतलब पेड़, और पेड़ हम कहां लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे हम मिट्टी में, तो पीडोलॉजी पेड़ लगाएंगे मिट्टी में, तो हो जाएगा मिट्टी का अध्ययन पीडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन ये क्या होता है, ये होता है पीडोलॉजी। अब दोस्तों अगला है, अगला है डेंड्रोलॉजी, क्या है अगला है डेंड्रो, तो डेंड्रो 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 डंडा, डेंड्रो डंडा, डंडा कैसे बनता है, डंडा बनता है वृक्ष से, कैसे बनता है वृक्ष से, पेड़ों से मिलता है ना, वृक्ष और झाड़ियों से क्या मिलता है डेंड्रा, क्या मिलता है डंडा, तो डेंड्रोलॉजी क्या मिलता है वृक्ष और झाड़ियों से डंडा मिलता है, तो ध्यान देना इसको हम कह सकते हैं वृक्ष वा
झाड़ियों का अध्ययन, तो डेंड्रोलाजी, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलाजी। ठीक, और देखिए डेंड्रो का मतलब समझ सकते हैं डेंड्रफ, क्या होता है डेंड्रफ, रूसी। तो डेंड्रफ कहां बनता है, बालों में। अगर हम बालों की सेवा नहीं करेंगे तो बाल में डेंड्रफ बन जाएगा, तो सेवा जब नहीं करेंगे तो बाल कैसा होगा, जब बालों की सेवा नहीं करेंगे तो बाल हो जाएगा झाड़ियों की तरह, जब बाल झाड़ियों की तरह हो जाएगा तो उसमें बन जाएगा डेंड्रफ, तो डेंड्रफ से डेंड्रोलॉजी। और बाल कैसे, झाड़ियों की तरह, तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। अगर आगे बढ़े तो आगे एग्रोस्ट्रोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी। अब एग्रोस्ट्रोलॉजी अगर हम देखें तो यहां जो शब्द हमारा आ रहा है, यहां बीच में क्या आ रहा है, ग्रॉस, क्या रहा है ग्रॉस, ग्रॉस मीन्स क्या होता है घास, एग्रोस एक घास, एग्रोस एक घास, ठीक है ना। तो एग्रोस्ट्रोलॉजी, तो ए ग्रॉस यानी एक घास, तो हम कह सकते हैं एग्रोस्ट्रोलॉजी तो हो जाएगा घासों का अध्ययन, क्या होगा घासों का अध्ययन, एग्रोस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन, एग्रोस्ट्रोलॉजी। अब अगर क्वेश्चन बन जाए कि क्या होता है सूरोलॉजी, है ना, क्या होता है सूरोलॉजी, अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि सूरोलॉजी, तो भाई देखो अभी मैंने कहा था कि सूरो किसका नाम है दोस्तों, सूरो नाम किसका है, ये छिपकली का नाम, देखिए यहां पर लिखा गया छिपकली, छिपकली का नाम क्या लिजर्ड, इसको हम लैटिन भाषा में क्या बोलेंगे सूरो बोलेंगे। तो मान लीजिए अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए कहीं पर एक परिवार के सभी लोग टीवी देख रहे हैं, और टीवी देख रहे हैं दीवार पर छिपकली चिपकी हुई है, चिपकी हुई सी, और अचानक क्या हुआ कि वो छिपकली सबके बीच में गिर गई, तो सब लोग क्या करेंगे, सारे शोर मचाएंगे, शोर क्यों मचाएंगे, छिपकली के गिरने से क्या मचाएंगे, शोर मचाएंगे, और शोर क्यों मचाएंगे, क्योंकि छिपकली गिर गई, तो शोर से सूरोलॉजी, और किसका अध्ययन, छिपकली का अध्ययन, तो हो जाएगा छिपकली का अध्ययन सूरोलॉजी, छिपकली का अध्ययन, ठीक सूरोलॉजी, छिपकली का अध्ययन सूरोलॉजी। अब देखिए आगे दोस्तों, आगे क्या होता है, आगे है एक्थियोलॉजी, तो आप बताएं एक्थियो किसका लैटिन नाम है, अभी मैंने कहा था आपसे कि एक्थियो किसका लैटिन नाम है, देखिए तो एक्थियो लैटिन नाम किसका है, मछली का, मछली को क्या बोलते हैं फिश, और लैटिन भाषा में एक्थियो, अभी मैंने इसके पहले आपसे कहा था कि हमने क्या किया, हमने मछली खाया, कैसे पीस पीस में भाई, जब हमने क्या किया, हमने मछली खाया, किसी ने जो मछली लोग खाते हैं उन्होंने क्या किया, मछली खाया, और कैसे पीस पीस में, ठीक। तो मान लीजिए जिस व्यक्ति ने मछली खाया, मान लीजिए मैंने मछली खाया, तो कोई मुझसे पूछेगा क्या खाए, तो हम कहेंगे एक थी मछली वही खाए, क्या खाए, एक थी मछली वही खाए, तो इस बात को ध्यान देना, क्या खाए, एक थी मछली वही खाए, एक थी मछली एक्थियोलॉजी, क्या खाए मछली, तो मछली का अध्ययन एक्थियोलॉजी, यह हो जाएगा मछली का अध्ययन एक्थियोलॉजी। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट्स को आप ऐसे याद करिएगा, बहुत आसान तरीका याद करने का है, इसको हम ऐसे लॉजिकली याद कर सकते हैं ताकि सुपर टेट की परीक्षा में हमें बहुत सारी हेल्प मिल जाए इस पॉइंट से। चलिए आगे देखते हैं, अगर हम आगे बात करें तो आगे कुछ पॉइंट हमारे बचे हुए हैं, जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए चींटी, तो चींटी का बात कर लेते हैं हम लोग, चींटी का क्या नाम है, तो देखिए अगर हम बात करते आगे, तो आगे लिखा गया है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरिया मीन्स क्या होता है जीवाणु, बैक्टीरिया मीन्स होता है जीवाणु, और बैक्टीरियोलॉजी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जीवाणुओं का अध्ययन, ये हो जाएगा जीवाणुओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीवाणुओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। अब देखो ऐसे एक पॉइंट और बन सकता है, तो भाई ऐसे बनेगा वायरोलॉजी, देखिए वायरो मतलब वायरस, और वायरस मतलब विषाणु, देखिए वायरोलॉजी, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे विषाणुओं का अध्ययन, है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे विषाणुओं का अध्ययन,
वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन, ठीक है दोस्तों, ऐसे, या फिर यही बन सकता है बैक्टीरियोलॉजी, ठीक, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है ना। तो देखिए ये तो बन चुका, पहले पढ़ चुके हम लोग इसको, तो ध्यान देना, पूछेगा कि पैरासीटोलॉजी क्या होता है ना, कि पैरासीटोलॉजी क्या होता है, तो पैरासाइट, पैरासीटोलॉजी क्या होता है, पैरासाइट यानी कि परजीवियों का अध्ययन, पैरासाइट, पैरासीटोलॉजी। तो दोस्तों हो जाएगा यहां पर पैरासाइट का मतलब परजीवी, तो परजीवी का अध्ययन क्या हो जाएगा, परजीवी का अध्ययन, पैरासीटोलॉजी। अब ये परजीवी क्या होता है, देखिए परजीवी ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, परजीवी वे जीव हैं जो किसी अन्य जीव के ऊपर रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे कहते हैं परजीवी। तो परजीवियों का अध्ययन पैरासीटोलॉजी क्या होगा, पैरासीटोलॉजी, परजीवियों का अध्ययन। अब एक नया पॉइंट लेके आता हूं मैं आपके लिए, और ये कैसा पॉइंट, देखिए जेरेंटोलॉजी क्या होता है, जेरेंटो, देखो भाई यहां जब इसको हम बोलेंगे तो क्या आ रहा है, जर, जेरेंटोलॉजी, तो जर का मतलब क्या होता है, जर मतलब होता है जीर्ण, और जीर्ण का मतलब क्या होता है, वृद्ध, तो क्या हो जाएगा इसका, वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन, जेरेंटोलॉजी, तो हो जाएगा ये वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन, जेरेंटोलॉजी, वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन, इसे हम कहेंगे जेरेंटोलॉजी। अब देखिए इसके बाद मैं बात करूं आगे, तो दोस्तों आगे है सीरो, 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 सीरम, सीरम, सीरो, ठीक है ना, तो सीरोलॉजी क्या हो जाएगा, सीरम हो जाएगा, तो सीरोलॉजी, तो इसको हम क्या कहेंगे, रुधिर सीरम का अध्ययन। सीरम क्या होता है, देखिए अब ये रक्त है, ये क्या है, रक्त है, इसमें एक थक्का बनाने वाली प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, अगर इस प्रोटीन को रक्त से अलग कर दिया जाए तो बचा हुआ रक्त क्या कहलाता है, बचा हुआ रक्त कहलाता है सीरम, तो उसी सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है, सीरोलॉजी होता है, तो सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी। तो दोस्तों जी हां, इतने ही आसान तरीके से आप विज्ञान पढ़ोगे, इतने ही आसान तरीके से जीव विज्ञान की और भी शाखाओं को पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर ऐसे ही क्लास चाहते हैं, अगर सुपर टेट की तैयारी में अगर आप ऐसे ही क्लास चाहते हैं दोस्तों, तो क्या करना होगा, आपको टारगेट विद आलोक परिवार में जुड़ने के लिए एंट्री सुपर टेट लिख करके, एंट्री सुपर टेट या एंट्री एस्टेट लिख करके आपको व्हाट्सअप करना है 9125429936 इस नंबर पर, और आपको सुपर टेट के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों आपको इससे भी आसान तरीके से सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी, सभी विषयों में, सभी विषयों में, और अनुभवी अध्यापकों के द्वारा आपके 14 विषय को तैयार करवाया जाएगा। दोस्तों इसके लिए क्या करना है, आपको एंट्री एस्टेट लिख करके 9125429936 इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, और एडमिशन प्रक्रिया के बारे में हर एक संभव जानकारी आपको क्विकली तुरंत रिस्पॉन्स के साथ प्राप्त हो जाएगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत।